हे गाइस वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज की अपडेट वीडियो में बिटकॉइन की अपडेट आपको देने वाला हूं मैं इस वीडियो में साथ ही साथ बात करेंगे आने वाले इन्फ्लेशन रेट को लेकर और फेडरल रिजर्व ने कुछ न्यूज़ निकाली है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत बिटकॉइन डम्प भी हुआ था रिसेंट में उस पर चर्चा करने को हमें टाइम नहीं मिला था तो वो चर्चा जो है अब आज करेंगे इस वीडियो में करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन के लॉन्ग टर्म एज़ वेल एज शॉर्ट टर्म पर्स्पेक्टिव को लेकर सामने मेरे स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है वो दो चार्ट हैं एक है डॉट का वन आवर चार्ट और एक है बी का वन आवर चार्ट मैंने सिर्फ ये इसलिए खोला है कि मैं दिखाने के लिए कि इंटरडे की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी जो है डॉट और बी में मैंने खुद नोटिस की पर्सनली तो मैंने सोचा आप लोग को भी दिखाऊँ कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप देखो दोनों का सिमिलर मूव है दोनों ने ही अच्छा खासा मूव किया है जो बी टी सी ऊपर की ओर गया ये कैंडल्स आप देखोगे यहाँ पे जो हमारा बी टी सी गया हुआ है वहाँ से रेक्ट हुआ थोड़ा सा बहुत फिर एक जगह सपोर्ट पाया वही डॉट ने भी हल्का सा एक सपोर्ट पाया मतलब कुल मिला के अगर आप वन मिनट टू मिनट फिफ्टीन मिनट फाइव मिनट्स में अगर करते हो तो बहुत सिमिलर आता है इसीलिए मैंने जो है पिछले दो तीन दिन से काफ़ी अच्छी इंटरडे अपॉर्चुनिटी इससे निकाली है बट आप लोग सिर्फ तभी करना जब आप लोग ट्रेंड हो गए जब आप लोगों का एक्सपीरियंस हो जाए लेवरेज का या ट्रेडिंग का नॉर्मल तभी करना वरना मत करना प्लीज़ बहुत बड़ा लॉस खा सकते हो नेक्स्ट बिटकॉइन को लेके बात करेंगे उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ ये हमारे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड डू राइट नाउ क्लिक करके आप जाइए टेलीग्राम से जुड़िए और तब वापस आइए इस वीडियो पे क्योंकि टेलीग्राम पर हम आपको अपडेट देते हैं ये देखिए डस का हमने आपको बताया था आज 91 वन डस टच किया था डस को हमने 58 65 पर भी बोला था डस को हमने 60 के अंदर भी बोला था 28 पे भी बोला था तो डस्ट ने अभी बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया होगा बहुत से लोगों को बात करते हैं बिटकॉइन के वीकली चार्ट को लेकर सबसे पहले वीकली चार्ट को अगर आप देखोगे तो करेंटली बिटकॉइन इज होल्डिंग इट सपोर्ट लाइन एंड ये होल्डिंग सपोर्ट लाइन वॉट इज दिस इट इज़ करेंटली अराउंड थर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड और वहाँ तक गया था बेस बेसिकली भी बिटकॉइन क्या नीचे गिरेगा मैंने आपको पिछली वीडियो दी थी मैंने उसमें ये भी बोला था कि मैं अभी भी पूरी तरह से खुश नहीं हूँ बिटकॉइन को लेके. कर मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि बिटकॉइन जब ऊपर आ जाएगा पैंतालीस अड़तालीस या फिर बावन हज़ार के डॉलर्स के ऊपर तो मैं कुछ एक तरह से बोल पाऊँगा बट जब तक ये इस वाइट ट्रेंड लाइन से नीचे है तब तक तो मैं और भी नहीं बोल सकता कि बिटकॉइन कैन इज़ लुकिंग ग्रीन और हेल्दी। ज़्यादा से ज़्यादा ये सिर्फ और सिर्फ एक uh, कह सकते हैं आप बाउंस हो सकता है डेट कैट बाउंस हो सकता है और हो सकता है हमें ग्रीन कैंडल बीच में जब मिलती है जब हम रेक्ट होते हैं तो हम नीचे हैं। तो बेसिकली क्या मेरा मकसद है यहाँ पे कहने का एक ऑप्शन यही है हमारे पास कि जो 39 के बॉटम था वो नहीं बॉटम था और हमारा एक्चुअल बॉटम ये होगा जो बुलंजर बैंड बना रहा है 38,100 के आसपास अब हो गया है जो कि वीकली में ऐसा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ मैंने अपने एनालिसिस में ये इम्पॉर्टेंटली नोट किया था कि लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था और ऐसे बहुत से एनालिसिस भी आपको बताएंगे कि बुलंजर के एकदम लोअर बैंड को टच करके बिटकॉइन बाउंस कर जाता है एक बियर मार्केट में एक शॉर्ट टर्म बियर मार्केट में अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये बेयर मार्केट है बुल मार्केट पहली चीज़ मैं बता देता हूँ हम बेयर मार्केट, मार्केट में हैं करेंटली हम बेयर मार्केट में हैं क्योंकि जब तक हम लोग ट्वेंटी वीक ई से नीचे हैं मैं बेयर मार्केट मानता हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था ट्वेंटी वीक ई एक अच्छा खासा सपोर्ट होती है बुल मार्केट का और उससे ऊपर होने पर हम बुल मार्केट में होते हैं उससे नीचे होने में हम बेयर मार्केट में होते हैं तो ये शॉर्ट टर्म है सवाल ये बनता है कि यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म है या फिर ये लॉन्ग टर्म बेयर मार्केट है लॉन्ग टर्म में महीनों लग सकते हैं शॉर्ट टर्म में एक दो महीना ही लगता है अब देखते हैं ये किस तरह से होल्ड करता है ये डिपेंड करेगा इस वीक की क्लोजिंग अगर इस वीक की हफ्ते की क्लोजिंग जो वीकली है वो इससे ऊपर नहीं हुई जो कि पैंतालीस हज़ार डॉलर है आई थिंक चौवालीस हज़ार एक सौ तेरह डॉलर के ऊपर नहीं हुई तो हमारे लिए ख़राब चीज़ होगी और इस वीक की क्लोजिंग इससे नीचे होती है फोर्टी फोर थाउजेंड डॉलर से तो इसका मतलब है हमें अभी थोड़ा और नीचे आना है तो पहला नीचे आने को हम कहाँ तक आ सकते हैं पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ बुलिंजर बैंड का नीचे वाला पॉइंट ये चेंज भी हो सकता है बट लमसम ये थर्टी एट थाउजेंड डॉलर्स के आसपास है थर्टी एट थाउजेंड वन हंड्रेड डॉलरस के आसपास दूसरा अगर हम इसको भी नहीं होल्ड कर पाए तो फिर हम कहाँ तक आ सकते हैं फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन है पैंतीस हजार या फिर पैंतीस हजार डॉलर या फिर डायरेक्टली हम यहाँ पर आ जाएंगे जो पिछली बार हमने सपोर्ट लिया था चौतीस हजार डॉलर से लेकर तीस हजार डॉलर के आसपास नेक्स्ट बात करते हैं डेली चार्ट को लेकर डेली चार्ट में क्या दिख रहा है डेथ क्रॉस डेथ क्रॉस के बारे में आप जानते हो डेथ क्रॉस अच्छा कुछ चीजें हैं जो अलाइन uh, कर रही है हमारे एनालिसिस के साथ क्या अलाइन कर रही है अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम पहले हाइड कर दूं फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या है चार्ट में तो बेसिकली डेथ क्रॉस होने वाला है और आप ग्रीन ग्रीन लाइन आपको व्हाइट लाइन से नीचे आती दिख भी रही होगी ठीक अब डेथ क्रॉस की कल वीडियो मैंने आपको दी मैंने बोला था कि डेथ क्रॉस के समय में प्राइस एक छोटे मोटे टाइम फ्रेम में नीचे आता है ठीक हर बार होता है ऐसा ऐसा क्यों होता है बेसिकली ये सेलिंग होती है इसमें ठीक फियर एंड पैनिक की वजह से लेकिन डेथ क्रॉस का क्या उतना इफेक्ट होता है उसका फाइनल कंक्लूजन मैंने आपको ये बताया था कि डेथ क्रॉस नहीं डिसाइड करता कि मार्केट किधर जाएगी ऐसा बहुत बार हो चुका है और मार्केट कभी कभी ऊपर भी गई कभी कभी नीचे भी आई तो बेसिकली आप डेथ क्रॉस पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हाँ जब डेथ क्रॉस होता है तो कुछ टाइम के लिए प्रा, प्राइस नीचे आती है अब प्राइस नीचे आती है इसका मतलब ये हमारी उस एनालिसिस के साथ कहीं आपको लगता हुआ नहीं दिख रहा है इस एनालिसिस के साथ क्या हम इस बॉटम को टच करने आए हैं बैंड के नीचे वाला यानी थर्टी तो मेरा जो पहला पॉइंट है वो अगर यही अगर हम और नीचे आते हैं तो थर्टी एट पे मेरी पर है और मैं थर्टी का वेट करूँगा वहाँ से बाउंस करता है कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है दूसरी चीज़ है अगर ऊपर का आप डाउन साइड अपसाइड अप देखोगे तो जब तक डेट क्रॉस हो रहा है आई थिंक थोड़ी बहुत सेलिंग होगी उसके बाद हो सकता है लोग मिस आउट कर देंगे अपने कॉइंस को बेचेंगे जैसे ही वो बेचेंगे इंस्टीट्यूशन सारा पकड़ लेंगे क्योंकि उन्हें पता है ये डेथ क्रॉस सिर्फ एक दो चार इंडिकेटर के दम पे ये लोग बेच के चले गए इतना बढ़िया चीज़ तो वो जब बेच के जाएंगे तो उनके बिटकॉइन को इंस्टीट्यूशन पकड़ लेंगे और जहां से विक ग जाएगी नीचे तक अड़तीस या फिर उससे नीचे भी अगर विक जाती है उसको तुरंत खींच के ऊपर बुला लेंगे इंस्टीट्यूशन तो ये एक चाल हो सकती है पूरी तरह से अगर आप समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिएगा अब बात करते हैं हम लोग दो मजबूत मुद्दों के ऊपर बिटकॉइन टैक्ड आफ्टर द फेड मिनट्स वर रिलीज हेयर फाइल बेसिकली फेडरल रिजर्व ने बोला है कि वो आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने वाले हैं अब इससे बिटकॉइन को क्या असर पड़ेगा इंटरेस्ट रेट्स जनरली बिटकॉइन के लिए हेल्दी नहीं होते हैं और ऐसा क्यों होता है अब देखोगे कि लोग जो हैं जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो लोग जो हैं अपने इन्वेस्टमेंट को स्पेक्यूलेटिव एसेट्स यानी ऐसे एसेट जो ऊपर नीचे ज़्यादा तेजी से होते हैं उनसे पैसा निकाल कर अपने एसेट्स को पैसे को वहाँ लगाना शुरू करते हैं जहाँ पर उनको एक सेफर अमाउंट में मिल रहा है जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गया बॉन्ड्स हो गए ये सब हो गए ठीक तो ऐसे एसे एसेट्स में वो लोग पैसा लगाना ज़्यादा प्रेफर करने लगते हैं स्पेकुलेटिव एसेट्स को छोड़कर और यही एक वजह है कि बिटकॉइन थोड़ा बहुत गिर सकता है जब आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे शॉर्ट टर्म में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये बेरिश है पर लॉन्ग टर्म में बताऊं तो यही बुलिश न्यूज़ है यही सबसे बड़ा रीज़न है कि क्यों क्यों बिटकॉइन इन्फ्लेशन हैज बनकर रह सकता है आने वाले टाइम में और उसकी जो कम से कम सप्लाई है उसकी जो फिक्स सप्लाई है इक्कीस मिलियन की वो बिटकॉइन को बहुत ऊपर लेकर जाएगी ठीक शॉर्ट टर्म क्यों ऐसा लग मैं बोल रहा हूँ है क्योंकि लोग ना अपना पैसा लोग डरते हैं लोग अपने पैसे को जब बिटकॉइन को ऊपर उठता देखते हैं तो लोग आते हैं लगाने लेकिन जब नीचे गिरता देखेंगे या फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ता देखेंगे तो स्पेकुलेटिव एसेट से निकाल के अपना शॉर्ट टर्म में लगाएंगे दूसरे में सेफर इन्वेस्टमेंट पे अब जो फेडरल ने बोला वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं अब लोअर इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो बेटर होते हैं दो पॉइंट्स मैंने इन दोनों आर्टिकल को जब पढ़ा तो नोट किए दो पॉइंट्स वो ये हैं द सेल ऑफ इन बिटकॉइन इज़ अनदर साइन दैट इट इट इज एक्टिंग मोर लाइक अ टेक स्टॉक देन इन इनफ्लेशन फाइटिंग स्टोर ऑफ वैल्यू और डिजिटल गोल्ड एज इट्स प्रोपोनेंट्स आर्ग्यू यानी जो सेल ऑफ बिटकॉइन में देखने को मिल रहा है वो ये बताता है कि बिटकॉइन करेंटली एक टेक टेक्निकल यानी टेक इंडस्ट्री का एक स्टॉक की तरह बिहेव कर रहा है जो कि इन्फ्लेशन वगैरह या फिर ऐसी कोई न्यूज़ की वजह से ऊपर नीचे हो जाता है जैसे गोल्ड हो गया डिजिटल ये सब गिरते रहते हैं तो फिर फ़ायदा क्या हुआ बिटकॉइन का होने का ठीक एज एन एसेट तो ये इसके प्रोपोनेंट्स आर्ग्यू करते हैं या फिर जो लोग बिटकॉइन को सपोर्ट नहीं करते ये उनका कहना है और कहीं ना कहीं सही भी है क्योंकि करेंटली ऐसा ही वेट कर बिहेव करता है बिटकॉइन लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला ये मेरा पर्सनल मानना है सेकेंड आर्टिकल जो ये वाला है इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट मुझे मिला वो है इन द नियर टर्म बिटकॉइन विल स्टिल प्रॉफिट फ्रॉम अ लो इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट Even if inflation doesn't skyrocket, the less money investors can make on bond yields, the more money they might instead put into potentially higher-returning assets like Bitcoin," summer said. उन्होंने कहा है कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो बिटकॉइन के चांसेज बढ़ेंगे और लो इंटरेस्ट रहेगा अगर तो भी बिटकॉइन के चांसेस बढ़ेंगे और ऐसा तब होगा जब बिटकॉइन से बिटकॉइन uh, में लोग पैसा डालना ज्यादा समझेंगे क्योंकि देखिए हाइयर रिस्क एसेट में लोग डालने तब आएंगे जब उनको लगेगा कि हाँ थोड़ा बहुत उसमें है उनका फ़ायदा तो बिटकॉइन में वो लोग डालने आएंगे जब बॉन्ड गिल्ड्स उनको अच्छा रिटर्न नहीं दे रहे होंगे तो ये हमारे ये वीडियो थी और आई होप आपको दोनों मुद्दे समझ में आ रहे होंगे क्या मुद्दे हैं क्या नहीं है अब ये फेड की न्यूज़ से क्या इफेक्ट पड़ सकता है बिटकॉइन के लॉन्गर टर्म चार्ट को ये डेली चार्ट है ये नीचे जाएगा ठीक मान लो नीचे चला जाता है ठीक नीचे चला जाएगा पर हम मेरे पर्सनली मेरे जैसे लोग या फिर और भी लोग जो बड़े लोग हैं वो लोग आएंगे पकड़ेंगे बिटकॉइन को कमजोर हाथों से छीनेंगे और ऊपर की ओर जाएंगे ठीक क्योंकि ये जो चार्ट है ये जो चार्ट है ये भले बेरिश लगे उस न्यूज की वजह से पर ये जो चार्ट है ना ये चार्ट ऊपर ही दिखेगा हमेशा के लिए आपको यहाँ दिखेगा एक लाख डॉलर से ऊपर दो लाख डॉलर से ऊपर बहुत ऊपर दिखेगा बिकॉज इन अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव बिटकॉइन विल ऑलवेज कीप ग्रोइंग बिकॉज ऑफ द लिमिटेड सप्लाई एंड द एब्सुल्यूट स्टॉक टू फ्लो रेशियो तो दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ टेलीग्राम से जुड़िए क्वालिटी कंटेंट मिलेगा अगर आपको ऑप्टिन वर्स मेबरशिप प्रोग्राम हमारा ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी वहीं से जाइएगा कहीं भी स्कैमर्स वगैरह से बच के रहिएगा बहुत से स्कैम चैनल्स चल रहे हैं जो भी ऑफिशियल लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी वीडियो के थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में